देखिए ऐसा है, अब लोकतंत्र की परिभाषा क्या है यह हमें उन्हें समझा सकते हैं। फिलहाल वो जो है पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो स्थानीय मुद्दों पे ध्यान दे। अभी उनको राष्ट्रीय नेता बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, अभी तो उन्हें मालूम नहीं है कि उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और अभी पिछले दिनों वो क्षेत्र कितनी बड़ी समस्याओं से जूझा है, कितनी बड़ी आपदा आई। वो अपने आप को क्षेत्रीय मुद्दों तक अगर सीमित रखे तो ठीक रहेगा। देश में लोकतंत्र, संविधान, यह भी उनकी समझ से परे बात है। सर, मंडी से क्योंकि उम्मीदवार वो बनी हुई है, तो कांग्रेस क्या प्रतिभा जी को उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि वो भी इच्छा जाहिर कर रही हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए क्योंकि वो तो अभी निवर्तमान सांसद है, अभी सांसद है वहां के से, तो अभी मुझे लगता है कि पार्टी भी चाह रही है। और निश्चित तौर पे उन्होंने भी कहा है कि अगर पार्टी आला कमान का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। उन पर हाल ही में एक टिप्पणी भी की गई थी आपकी पार्टी के नेता की ओर से, जिस पर कंगना ने भी काफी अपने बात रखी थी। आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब मंडी की जनता जो है जवाब देगी, हमें उस पर बार बार जवाब देने की जरूरत है। नहीं तो मुझे नहीं मालूम है। देखिए और राजनीति में टिप्पणियां तो चलती हैं, अब उन्होंने खुद कितनी टिप्पणियां की हैं, किस किस पे उन्होंने टिप्पणियां की हैं ये पते सार्थक नहीं है। चुनाव मैदान में वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है या उनकी सोच क्षेत्र के लिए क्या है, उस पर बात करें। ये मुद्दा विहीन जो राजनीति है वो हिमाचल में नहीं चलती। केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया है सर, आप उस पर क्या रखेंगे? देखिए क्योंकि अभी ये मामला न्यायालय में, तो मुझे लगता नहीं कि इस पे हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नेता हैं उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।